अच्छा चले, माइक्रो एडिक्शंस की बात हम कर रहे थे, हमने 4-5 माइक्रो एडिक्शंस डिस्कस की, क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने रिमिनेशन की बात की कि जुगाली करने की हमें आदत हो जाती है, सोचों पे सोचते रहना और फिर किसी एंड तक ना पहुंच पाना और हमारा प्रेजेंट भी सारा ख़राब हो जाना। फिर हमने रिस्पॉन्स इनहिबिशन किया था हमने अभी। हमने एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस की बात की, हमने हॉस्टिलिटी और अग्रेशन की बात की, हमने शॉर्ट टर्म फोकस की बात की, नेगेटिव अप्रेजल की बात की। शॉर्ट टर्म फोकस में हम बात कर रहे थे, इसका दूसरा नाम क्विक फिक्स है। इसमें हम ये करते हैं कि बस फटाफट चीज़ों का हल निकालना, यानी कोई मसला हमारे यहाँ आ जाता है तो उसको फिर नेचुरली ठीक करने की, या एक मतलब एक काम जिसको पूरा टाइम लगता है ठीक होने में, उस तरीके पर जाने की बजाय हम फटाफट बस कहते हैं चुटकियों में वो चीज़ ठीक हो जाए। अब देखें, चलें ना, एग्ज़ाम्पल सिर्फ इनकी है लेकिन होता ये हर एक की फैमिली मीटिंग में। जब आप लोग फैमिली मीटिंग ख़राब कर लेते हैं किसी एक्स वाई जी रीज़न की वजह से, ठीक है, अब उस फैमिली मीटिंग को ठीक करने का सही एक्यूरेट और ऑथेंटिक तरीका क्या है। आज एक मीटिंग हुई जो इंतहाई बुरे नोट पर ख़त्म हो गई, अब हमारे पास एक नेचुरल तरीका क्या है अपनी मीटिंग को ठीक करने का। मेटाकॉग्निशन अप्लाई करें, सोचें कि क्या मैंने गलत किया, अपने काउंसलर से हेल्प लें, बात करें और अगली मीटिंग का वेट करें। जब अगली मीटिंग हो तो पहले पिछली की माजरत करें, फिर नई बाउंड्री सेट करें, नया ग्राउंड सारा। यही है ना नेचुरल तरीका। अब ये तो नहीं है कि 2 घंटे पहले हमने अच्छी खासी लड़ाई की, 2 घंटे बाद हम कह रहे हैं मेरी एक और बार बात करा दें, मेरी 5 मिनट की मीटिंग करा दें। फिर जब काउंसलर्स के नहीं हो सकती तो फिर उनको कहा जाए कि फिर मैसेज कर दें उन्हें कि वो परेशान ना हो। क्यों भाई, क्यों मैसेज करें उन्हें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह भी दूँ तो क्या आप दिल बड़ा कर लेंगे फ़ौरन? ऐसे नहीं होता, चीज़ें टाइम लेती हैं, वो एक नेचुरल पेस पे चल रही होती हैं। ऐसे नहीं होता कि मैं एक मूड ख़राब करके मैं कहूँ अच्छा फटाफट मूड ठीक कर लो, ये नहीं होती चीज़ें। वो आपको दिखाने के लिए कह भी दें कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो जो चोट दिल पे लगी होती है उनके, वो तो जाते जाते टाइम लेती है। हमारे सबके इमोशंस सेटल होने में टाइम लेते हैं, चुटकियाँ बजा कर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसी तरह जब आप लोगों को स्ट्रेस होता है घर पे, परेशानी होती है, कोई और मसला होता है, तो पहला ख्याल ये आता है कि एक जॉइंट लगा लिया जाए तो ज़रा ठीक हो जाएंगे हालात, एक सिगरेट पी लिया जाए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, अल्कोहल ले लीजिए, जो भी आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, ज़रा कुछ भी कर लिया जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। देखें हैंगओवर और क्या होता है, एक एडिक्ट को जब वो चीज़ फ़ायदा मैं इसलिए कह रही हूँ कि नशे कुछ किसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो पर्पज़ फुलफ़िल करने के साथ साथ कुछ नुकसान देते हैं उस बंदे को जिसको कि एडिक्शन होनी है। तो अगर आप एडिक्ट हैं तो सलमान साहब यही तो चीज़ एडिक्शन की सिम्टम है कि आपको वो चीज़ बाद में बदमजगी भी देगी, यानी मज़ा देने के बाद फॉर द टाइम बिंग वो आपको मज़ा दे देगी, बाद में वो आपके लिए बदमजगी का सबब बनेगी। ये इतनी बड़ी वजह है एडिक्शन की। लोग अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, ढेर सारी बेंच ड्रिंकिंग करते हैं, तब तक करते हैं जब तक वो पास आउट ना हो जाए, कर ली उसके बाद अगला दिन उठते हैं वो शदीद सर दर्द और हैंगओवर में उनका सारा टाइम गुजरता है। अब अपने हैंगओवर को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, और पीते हैं। अब जब और पी लिया, अंदर और टॉक्सिन्स बनना शुरू हो गए, जब वो उसका नशा उतरेगा फिर बहुत बदमजा सी तबीयत होगी, उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, और पियेंगे। तो ये एक ऑनगोइंग साइकिल है। उनको लगता है कि मेरे जो हालात ख़राब हैं ये इस वजह से हैं कि ये जो मुझे खाना टाइम पर नहीं मिला ना, ये मुझे गुस्सा इसलिए आया है, या मेरे हालात इसलिए ख़राब हैं कि मेरी बीवी की मेरे साथ कंपेटिबिलिटी नहीं है, या मुझे गुस्सा इसलिए आया है कि मैं एक चीज़ 10 दफ़ा बताता हूँ और उस पर अमल नहीं होता। हालांकि आपको गुस्सा इस वजह से नहीं आया, आपको गुस्सा इस वजह से आया है कि आप ड्रग करते हैं और आप ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाते, ड्रग आपके अंदर टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे पैदा करती है और उसकी वजह से आपका मूड मिजाज ख़राब होता है। इनसैनिटी का एक और दर्जा ये भी है कि आप बाहर जाकर अननोन लोगों से, रोड रेज नहीं होती क्या, एक दूसरे को जानते नहीं होते लोग, एक दूसरे को हाथापाई में उतरे होते हैं, इनसैनिटी का अगला दर्जा यही है। लेकिन फ़िलहाल यानी जब लोग घरों में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं और बाहर उनकी शदीद दोस्तियाँ होती हैं तो ये इस चीज़ की निशानी होती है। हम सबको बड़ा पता है इस चीज़ का कि हमें ग्रेस मार्क्स सिर्फ अपने घर में ही मिलेंगे, हमें घर वाले ही हैं जो कह देंगे अच्छा चलो दिल का बहुत अच्छा है, वैसे कभी कभार गालियाँ बहुत दे देते हैं। बाहर वाले नहीं ये कहेंगे, वो तो ले जाएंगे हमें यानी क्लीनर्स में, वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको होती है कि हमने अपनों के साथ लड़ना है और बाहर वालों के साथ दोस्तियाँ रखनी है। लेकिन फिर एक स्टेज ये भी आती है
कि लोग बाहर वालों के साथ भी शदीद लड़ना शुरू हो जाते हैं। जी, सिगरेट स्लिप, सिगरेट का या ड्रग का स्लिप और रिलैप्स से ताल्लुक नहीं है। स्लिप और रिलैप्स मैंने यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ, ये स्लिप और रिलैप्स में, स्लिप और रिलैप्स का ताल्लुक सिगरेट या ड्रग से नहीं है। स्लिप और रिलैप्स का ताल्लुक आपके ईमान से है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। यानी देखें, पहली बात तो रिलैप्स का वर्ड आपको पता है कहाँ से निकला है? रिलैप्स को उर्दू में क्या कहते हैं? रिलैप्स को उर्दू में इर्तदाद कहते हैं। मुश्किल वर्ड है इर्तदाद। इर्तदाद वर्ड ड्राइव हुआ है मुर्तिद से, ईमान से फिर जाने को मुर्तिद कहते हैं। रिलैप्स का मतलब होता है मुर्तिद हो जाना। इस्लाम में मुर्तिद होने की डेफिनेशन ये है कि जो शख्स ईमान लाकर फिर गया, ठीक है। तो ड्रग एडिक्शन में भी आप रिकवरी पर ईमान लाए होते हैं और जब फिर जाते हैं उससे, तो उसको रिलैप्स होना कहते हैं। अब रिलैप्स और स्लिप में फ़र्क ये है कि स्लिप में आप 1, 2, 3, 4 दफ़ा कोई मसला करके उसके बाद आप वापस आते हैं रिकवरी की तरफ, आपका ईमान ताज़ा रहता है उसके अंदर। आपका ईमान यही होता है कि मैंने ये छोड़ना है, और आप उसमें हेल्प लेते रहते हैं। यानी स्लिप में आपसे गलती होती है, लेकिन आपका ईमान आपके अंदर ही पड़ा होता है, रिकवरी वाला ईमान कि मैंने नशे को छोड़ना है और मैंने इसको छुपाना नहीं है कि मैंने नशा कर लिया, मुझे खौफ नहीं है कि मुझे इंडोर कर देंगे। मैंने जाकर अनकंडीशनली हेल्प ले लेनी है अपने डॉक्टर से, अपने काउंसलर से कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इसमें से बचा ले, मैं वापस उस रट में फंसना नहीं चाहता। अब उसमें मैटर नहीं करता वो सिगरेट थी, वो अल्कोहल थी, वो क्या थी, ठीक है। रिलैप्स में मसला ईमान का होता है, यानी रिलैप्स में नीयत ख़राब हो जाती है बंदे की। रिलैप्स का मतलब होता है वापस नशे वाले रास्तों पर जाना, यानी दोबारा करने लग जाना, वापस चले जाना, पलट जाना उस चीज़ की तरफ। ये सारे मतलब हो सकते हैं रिलैप्स के, जिसमें हम वापस नशा करने वाले ज़माने वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो हमारी रूटीन हो। यानी आपको समझ आई है रिलैप्स और स्लिप की? आप चल रहे हैं बहुत ही मडी से एरिया में और आप गिर गए हैं, आप कपड़ों पे सब कीचड़ वगैरह लग गए। अगर तो आप उसके अंदर बैठे रहेंगे और आप ऊपर तक आपके कपड़े सारे मैले होते रहेंगे, तो ये रिलैप्स है कि आप उसी दलदल में वापस चले गए। अगर आप उठेंगे, कपड़े झाड़ कर वापस चलना शुरू हो जाएंगे अपने रिकवरी के रास्ते की तरफ, तो ये स्लिप था। ये क्लियर हुआ आपको कि स्लिप और रिलैप्स में मामला बेसिकली आपकी नीयत और ईमान का है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ रिकवरी में। जहाँ पर ये मामला ख़राब हो जाएगा ना, वहाँ पर आप समझें कि ये रिलैप्स है। ज़रूरी नहीं है कि रिलैप्स करने के लिए आप नशे करो। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी कि रिलैप्स मूड मिजाज का भी हो सकता है, रिलैप्स रूटीन का भी हो सकता है, रिलैप्स सोचों का भी हो सकता है। सोचें तो यही थी ना कि फिर बताता हूँ घर वालों को ऐसी की तैसी इनकी और ये वो सारी चीज़ें। पक्का पक्का रिलैप्स है, यानी आपके बिहेवियर्स का रिलैप्स है सारा का सारा। वही रूटीन्स, वही सारी चीज़ें, वही सेल्फ हार्म, वही धमकियाँ, वही रन अवे, वही आकर फैमिली से मीटिंग्स ख़राब करना, यही सब कुछ होता था ना। मैं तो कहती हूँ कि ये इससे ज़्यादा इंसाइटफुल चीज़ ही कोई नहीं है। अगर आपके हाथ से आपको लग रहा हो कि मेरी मीटिंग ख़राब हो जाने, तो आप फ़ौरन किसी से कहें मुझे आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। आप लोग ज़रा से सीधे होते हैं तो घर वाले इतनी बातें मानना शुरू हो जाते हैं। तो अगर दीदी जो आपने इतनी अनरियलिस्टिक सी पिक्चर जो मेरे सामने प्रेजेंट की है कि सारी बातें घर वालों की माने, तो घर वाले पत्थर के थोड़ी हैं जो बातें नहीं आपकी मानेंगे। मैं बिलाल साहब के सवाल का सिर्फ एक जवाब दे दूं, आप सबके लिए ये बड़ा अहम है कि वो कहते हैं कि घर वाले प्रोवोकिंग करते हैं। पहली बात तो आपके घर वाले प्रोवोकिंग नहीं करते। एक माँ बाप जो पिछले 3 साल से स्ट्रगल करें, अगर हम उनके शू में, क्योंकि हम आपकी कितनी साइड लेते हैं, है ना, हर वक्त आप लोगों की साइड ले रहे होते हैं ना कि इनसे नशे में हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो वो पेरेंट्स जो पिछले 3 साल से अपने बाकी बच्चों को निग्लेक्ट करके सिर्फ उनका काम ही ये है सुबह शाम हमारी बातें सुनना, यहाँ आ जाना, लेक्चर्स लेना, सेशंस के लिए आते रहना, आपको घर में प्रोवोक ना करना, आपकी बातें मानना, और फिर उनको वो एंड अप यहाँ पर कर रहे हों कि उनका बच्चा बगैर किसी वजह के घर छोड़ के चला गया, और जब वापस आया तो उन्होंने सेल्फ हार्म किया हुआ था, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की हुई थी जिसमें उनकी तो जान निकल गई ना एक बार। अब वो आपको आगे से क्या कहें कि थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमें इस मुश्किल टाइम में से गुजारा और हमें बहुत मज़ा आया। जो मेरे सवाल का जवाब है ना, वो दीजिए कि क्या वो आपको इस मीटिंग, मैं ये नहीं कह रही कि उनको ये कहना चाहिए कि तुमने कभी ठीक नहीं होना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो आकर आपको गले लगाएं और वो कहें कि थैंक यू सो मच, जो सब कुछ आपने हमें पेन दिए, हमें बहुत मज़ा आया। वो अपना दुख निकालेंगे, आप अपना दुख निकालेंगे, हम उनको भी समझाते हैं, हम आपको भी समझाते हैं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उनके शू में भी पांव रख कर देख लें,
उनका उनके और भी काम है ज़िंदगी में, उनके और भी बच्चे हैं, उन्होंने सिर्फ ध्यान आपकी तरफ लगाया हुआ है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। बीच में आप करते भी हैं, और हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं। आप एक बीमारी का शिकार हैं जिसमें वो बीमारी कुछ अरसे के बाद ज़ोर मारती है, और हम फिर उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब फिर अगर आप हिम्मत करेंगे तो वो अच्छे दिन आ जाएंगे जो इलाज के दौरान आए थे। अगर तो सिगरेट कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर जान चली जाए, तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। फिर यही तो फ़र्क आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्रेविंग्स वो चीज़ें हैं जिसको हम मैनेज कर सकते हैं आराम से, उसमें जान जाने का ख़तरा नहीं है। विड्रॉल्स वो चीज़ें हैं जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते और जान जाने का ख़तरा है, उसमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। क्रेविंग्स तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान ही नहीं है इस चीज़ पर। हम कहते हैं कि शायद मेरी मुझे जो इस वक्त सिगरेट की तलब हो रही है ना मिली तो बस, या मैं नहीं या कोई और नहीं। सिगरेट के विड्रॉल्स इतने पेनफुल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स होते हैं जो आपको इंडोर्स में हो जाते हैं। अब विड्रॉल्स ख़त्म हो गए हैं जब आपने बाहर जाना है, अब तो आपके हार्डकोर ड्रग्स के विड्रॉल्स ख़त्म हो गए हैं जो आप लोगों ने छोड़ी थी। अब किस नाम पर सिगरेट पीनी है? देखें, ये डिपेंड करता है। पोस्ट एक्यूट जो एक्यूट विड्रॉल्स हैं वो शुरू के एक महीने में, थोड़ा उससे ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। पोस्ट एक्यूट आउटडोर्स के बाद भी चलते रहते हैं, लेकिन वो इतने बेयरेबल से होते हैं कि उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। एक्यूट विड्रॉल्स में ख़तरा होता है, वो तब होते हैं जब आप आते हैं और उसके 15-20 दिन तक वो रहते हैं। जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक वो चलते रहते हैं। एक्यूट विड्रॉल्स फिजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। ये सलमान साहब को आजकल साइकोलॉजिकल हो रहे हैं। फिजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। अब इस तरह चर्स है तो चर्स के फिजिकल विड्रॉल्स ऐसे सच नहीं होते, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल विड्रॉल इतना बुरा होता है, मत मारी जाती है उसमें बंदे की, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता मैंने करना क्या है। मैं आप सबको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मीटिंग्स का मकसद ये नहीं है कि हम गुड्डी गुड्डी मिलें, गले मिलें, हंसें खेलें और वो अपने घर और हम ऊपर चले जाएं, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मीटिंग्स का मकसद ये है कि ऑनेस्ट हो जाएं, एक रूम में बैठकर हम सेफली एक दूसरे से डिसग्री भी कर सकें, रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी मेनटेन कर सकें, दिल की बात भी कर सकें और सामने वाले की बात को के लिए फ्लेक्सीबल भी हो जाएं। ये एक थेरेप्यूटिक मीटिंग कहलाती है। यानी आप लोगों की जो हम फाइल्स फिल करते हैं ना, उसके अंदर चार वो उस ऑप्शंस होती हैं कि मीटिंग थेरेप्यूटिक थी, सेटिस्फेक्ट्री थी, प्रॉब्लमेटिक थी, पेशेंट की साइड से या फैमिली की साइड से। थेरेप्यूटिक मीटिंग्स वो होती हैं जो बड़ी शानदार मीटिंग्स होती हैं हमारी नज़र में। अब अगर आप समझते हैं ना कि फैमिली आई, आप आए, आपने हंस खेल कर उनको गले लगाया, उनके साथ बातें की, एक बिस्किट ले कर रखा हुआ था उनके लिए कैफेटेरिया से, वो उनको दे दिया, हंसी खेल में बातें की, पेट का पूछ लिया, बच्चों का पूछ लिया और अल्लाह हाफिज़ हो गया, तो ये कहीं से थेरेप्यूटिक मीटिंग नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री में जाती है कि हाँ बस ओके थी, क्योंकि इसमें हमने कोई बात ही नहीं की अच्छी। हाँ, अगर फैमिली आए और वो आपसे आपके नशे की बात करें, इश्यू पर बात करें और वो कहें कि नहीं पहले ये होता था अब ये होना है, बीच में आपके अच्छा आप लोग सख्त हो गए हैं या ऐसा कुछ, हम ये नहीं कहते कि आप आगे से रोबोट बने रहें। आप रिबटल्स दें रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ, डिसएग्री भी करें उनसे, नहीं बनना नहीं पड़ता, ये आपकी सोच है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप रोबोट बने, आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड में बात करें, हम कभी नहीं बीच में इंटरवीन करेंगे। जहाँ पर बात बदतमीजी वाले उसमें जा रही होगी ना, वहाँ हमें करना पड़ेगा कि नहीं ये ना करें। देखें, अगेन आप मुझे गलत उसका इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अब ऐलान करना शुरू हो जाएं अपनी मीटिंग्स में कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अब अभी ताज़ा सलमान साहब की हुई मेरे जहन में बार बार उनका वो आ रहा है। चले हम कोई और एग्जाम्पल, हबीब साहब की आज मीटिंग बड़ी थेरेप्यूटिक थी, यानी उसके अंदर बड़ी सख्त बातें भी थी जो हबीब साहब को उनकी फैमिली से, यानी सख्त बातें एज इन जो अगली रिमाइंडर्स थे कि ये करते थे आप, और उन्होंने उसको सुना और कहा हाँ मैं ये करता था, मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ, बस मुझसे ये हो गया, माफ़ी तलाफ़ी हुई। ये होती है थेरेप्यूटिक मीटिंग्स। अब अगर वो इस पर डिसग्री भी करते ना और वो कहते हैं कि नहीं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें भी थी, सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, चलो आप कहते हो तो मान लेता हूँ, वैसे मैं इससे अग्री नहीं करता, तो भी मैं इसको थेरेप्यूटिक कंसिडर करती, क्योंकि वो लड़ नहीं रहे आगे से, वो डिसग्री कर रहे हैं और उनका लहजा ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ गलती कहीं मेरी ही साइड पर थी। बात समझ रहे हैं? जो मर्जी का हमारा क्वेश्चन वो ये होता है, वॉन्ट ये होती है कि इशू पर बात हो जाए। मेरे वॉशरूम में वो नहीं है, मेरे रूम का पंखा नहीं ठीक, मेरे लिए कम्फर्टर नहीं है, मेरे लिए बादाम भेज दें, ये सारी चीज़ें नॉन इशूज़ हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि इश्यूज़ पर बात करें। वो जो दो चार मिनट की मीटिंग होती है ना शुरू में टच एंड गो,
इशू पर बात कर लेंगे तो उसने भी उतने टाइम में रैप अप हो जाने, नॉन इश्यूज पर करेंगे तो शायद जल्दी हो जाए। आप बात कर रहे हैं कि फैमिली ट्रस्ट नहीं करती, तो सर फैमिली आपको क्यों ट्रस्ट करे? देखिए ट्रस्ट मांगा नहीं जाता, मैं ये नहीं कह सकती कि आप मुझ पर ट्रस्ट करें, आप तो अपने बिहेवियर से ट्रस्ट अर्न करते हैं, ट्रस्ट तो कभी नहीं मांगा जाता कि मुझ पर ट्रस्ट करें। एक रूल ऑफ थंब है जो डॉक्टर साहब और हम बाकी सारी फैमिलीज को देते हैं, वो ये है कि अगर कोई पेशेंट ये कहता है ना, बात नहीं करें सलमान साहब, अगर कोई पेशेंट ये कहता है ना मुझ पर ट्रस्ट करें, उस पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। यानी अगर कोई कह रहा है कि आप मुझ पर ट्रस्ट तो करके देखें, एक दफ़ा मेरी मान कर तो देखें, ना उनकी बात माने ना उन पर ट्रस्ट करके देखें, क्योंकि वो आपसे ट्रस्ट मांग रहे हैं। अगर वो ट्रस्ट वर्दी हों तो ना उनको कहने की ज़रूरत पड़ेगी ना मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद ब खुद चुप करके, ये तो एक बड़ी स्पिरिचुअल सी चीज़ है ट्रस्ट करना, ये आप चुप करके करना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे कुछ आपने देखा होगा, यहाँ एक रिचुअल है कि हम पेशेंट्स को जब मीटिंग ख़त्म करते हैं तो छोड़ने जाते हैं, अगर ऑनलाइन मीटिंग हो या इस तरह से, ये दरवाजे तक कि आप लोग ऊपर चले जाएं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए जाएं, शायान साहब ऊपर चले जाएं आप? मैं कहने लगी हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि हम आंखें बंद करके भी अगर अपने ऑफिस में बैठे हैं और हम उन्हें मीटिंग के बाद कहें कि आप ऊपर चले जाएं, तो वो ऊपर अपने विंग में जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी हम पीछे जाते हैं, क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं वो आप हमेशा करते रहते हैं। आप आंखें होते हुए ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं करते, और ये इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि आप आंखें रखते हुए अंधा यकीन करना शुरू हो देते हैं अपने लव्ड वंस पर, लोगों पर। ये आप क्राइम पेट्रोल में एक बहुत बड़ा एलिमेंट इस चीज़ का देखते हैं कि ट्रस्ट ज़्यादा उन लोगों पर किया जाता है, ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाता है उन लोगों पर जो अपने होते हैं, और फिर कितनी बुरी तरह से दिल टूटते हैं। तो उन पर भी ट्रस्ट आंखें बंद कर करना करें, जिन पर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये तो मसला नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म फोकस आपको क्लियर हुआ कि हमारी जो मतलब हमारे ज़िंदगी में कोई भी मसले आते हैं ना, तो बस दिल कर रहा होता है कि चुटकियां बजाएं और ये हल हो जाए। हिडन एजेंडा यही है कि वो भी चाहते हैं आप ठीक हो जाएं, हम भी चाहते हैं आप ठीक हो जाएं, ये हमारा एक ओपन एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। यहाँ पर ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है। कभी जहन में ये सोचिएगा भी नहीं कि आपके साथ बात, आपकी फैमिली, आप लोग उनके लव्ड वंस हैं और हमें उन्होंने ट्रस्ट किया आपकी ट्रीटमेंट के लिए, तो क्या आपकी फैमिली कोई ऐसे हिडन एजेंडा में इन्वॉल्व होंगी? कभी सोच सकते हैं आप लोग? ये आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? हबीब साहब, आप अपने बेटे नोआ के लिए कुछ कर सकते हैं हिडन एजेंडा? कोई एजेंडा मिलकर बनाए उनकी टीचर के साथ, वो जाते हैं ना किंडरगार्टन, आप उनकी टीचर के साथ कोई हिडन एजेंडा बना सकते हैं उनके लिए? जैन साहब, आप अपने बेटे के लिए कोई हिडन एजेंडा बना सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता क्या होंगे? जब कोई यानी क्विक फिक्सेस का इस्तेमाल करता रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं बड़ी। यानी अगर अब ड्रग्स को अगर हम क्विक फिक्सेस के तौर पर सोचना शुरू कर दें, तो सेहत का नुकसान साफ साफ नहीं है इसमें, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, रिलेशनशिप के बड़े इशूज़ आते हैं। अब जिस तरह आप एक दफ़ा बड़े गुस्से से बात करते हैं, जो मैं पहले एग्जाम्पल शेयर कर रही थी कि ढेर सारा दिल दुखा दिया, उसके बाद 5 मिनट बाद कह रहे हैं कि अच्छा मूड ठीक कर लें, तो क्या रिलेशनशिप के मसले नहीं आएंगे? अगला बंदा रोबोट तो नहीं है, उनको टाइम चाहिए होता है अपने ग्रीफ को, अपनी सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए। अगर किसी ने फैमिली के शू में पाँव रखना है ना, तो ये बुक पढ़ लें, नो मोर लेटिंग गो, ये है ही फैमिलीज के लिए। मैंने सलमान साहब को इसलिए दी थी कि इनको ज़रा ज़रूरत है, क्योंकि ये फैमिली के शू में पाँव रख के देखें। उसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली और बार बार बताई गई है, वो ये कि एडिक्ट्स ये ट्रिप अकेले नहीं लेकर जाते, सबको साथ लेकर जाते हैं। जिस घर में नशे की बीमारी होती है, वहाँ पर सारे घर वाले एक स्विंग पर बैठे होते हैं। एडिक्ट कुछ करता है, एक्सीडेंट होता है, तो तकलीफ सबको है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, अगर एडिक्ट ने ओवरडोज कर ली, तकलीफ सबको है। देखिए, एक और एग्जाम्पल से बताते हैं, शायद आप ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे। जो भी क्रॉनिक बीमारियाँ होती है ना, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज़ हो गई, चलें डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज निकला है, तो उसमें इतना लोग पैनिक में नहीं आते, कुछ आ भी जाते हैं। यानी अगर आपके साथ ड्रग एडिक्शन के मसले हैं ना, तो फैमिली के साथ भी कोडिपेंडेंसी और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और इस तरह के मसले होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही उस चीज़ में है कि मैं ही सफ़र कर रहा, सब सफ़र कर रहे होते हैं। आपकी सफरिंग और है, उनकी और होगी, बहन भाई की और होगी, माँ बाप की और होती है, बीवी बच्चों की और होती है सफरिंग, सब घर के मुलाजिम भी सफ़र कर रहे होते हैं।
यानी ये चीज इतनी वो नहीं है कि आप कहें कि मैं ही तकलीफ में हूँ ना, मैंने सेल्फ हार्म किया। बिल्कुल, हर कोई सफर कर रहा होता है उस चीज में। वो अब हल तो नहीं है कोई, हम उसको इंडोर्स तो नहीं करते, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। जितने भी स्ट्रीट्स पे आपको नजर आते हैं, ये पैदा तो यहाँ पर नहीं हुए थे ऑब्वियसली, इनको ये वो अनफॉर्चुनेटली लोग थे जो कि बड़े ज्यादा है नंबर्स में, जिनको फिर घर वाले एंड पे छोड़ देते हैं। बहुत ही कम घर वाले, क्योंकि देखें मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने बहुत गलत किया, मैं उनके शू में भी पांव रख कर देख रही हूँ। टफ लव का एक प्रिंसिपल है कि आपके माँ बाप के हर तरह के वसाइल लिमिटेड होते हैं, हर तरह के वसाइल, यानी उनके फिजिकल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, उनके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, और इमोशनल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। यानी वो एक हद, जब वो बड़ी उम्र में जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिजिकली उस तरह से आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते जिस तरह से वो बचपन में थे। अब उनको आपके सहारे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर एक उनकी अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि लिमिटेशन है। फिर उनकी इमोशनल लिमिटेशन है, वो एक हद से ज़्यादा जज्बाती दबाव नहीं ले सकते। फिर उनकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी हैं, कितने मर्जी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, एक लिमिटेशन तो आती ही आती है। तो ये जो वाक़यात हैं जब माँ बाप छोड़ देते हैं बच्चों को, वो इस वजह से कि उनकी लिमिट्स क्रॉस हो रही होती हैं। और हर माँ बाप में इतना वो नहीं होता टेम्परमेंट के वो इलाज कराते रहें, टेंट्रम्स देखते रहें, फिर इलाज कराते रहें, फिर टेंट्रम्स देखते रहें, और वो कभी भी गिव अप ना करें। आपको टाइम एंड अगेन डॉक्टर साहब यहाँ पर परसेंटेज बता चुके हैं कि आप उन वो लकी थोड़े से परसेंटेज में से हैं जिसमें माँ बाप कभी गिव अप नहीं करते और वो हमेशा इलाज करवाते रहते हैं। रिस्पॉन्स परसिस्टेंस एक और सातवीं माइक्रो एडिक्शन है, जिसके अंदर हम हर दफ़ा एक ही काम कर रहे होते हैं, यानी हम एक ही तरीके से कोई काम कर रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि इस दफ़ा तो रिजल्ट्स निकलेंगे। एक ही, हर दफ़ा सिगरेट पी लेते हैं और सोचते हैं कि इस दफ़ा मैं अल्कोहल पर नहीं जाऊंगा, हर दफ़ा चले जाते हैं। फिर अगली दफ़ा आती है, फिर सोचते हैं कि चलो कभी कभार सिगरेट पी लेता हूँ, इस दफ़ा इस नहीं करूँगा, फिर कर लेते हैं। अच्छा अब नशा कर लेता हूँ, रमज़ान में छोड़ दूंगा, फिर नहीं कर पाते। यानी आप एक ही तरीके से बार बार कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि वो निकल नहीं सकता। एक तरीका जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, उसको आप छोड़ देते हैं, फिर उससे फिर आप दोबारा, यानी अगर दोबारा अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे बड़ी स्ट्यूपिडिटी कोई है नहीं। ऐसे ही है, यानी जब साइंस भी एक चीज़ को ट्रायल्स और टेस्ट्स में से गुजार देती है, और अगर कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते, अगर वो बार बार वही तरीका करते हों, तो आज भी हम स्टोन एज में ना होते, तो कोई तरक्की होती ही ना। इंसैनिटी की डेफिनेशन ही ये है कि हम एक काम बार बार करते जा रहे हैं और हम तवक्को ये रख रहे हैं कि इस दफ़ा तो मैं ना बच जाऊँगा, इस दफ़ा तो मेरे साथ मसला नहीं होगा। हमेशा ड्रंक होकर ड्राइव करते हैं और कहते हैं इस दफ़ा तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा यानी नशे कर लेते हैं और इस दफ़ा नहीं मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं किसी ना किसी तरह से बच जाऊँगा, लेकिन पकड़े जाते हैं फिर। तो ये इंसैनिटी है जिसपे हमारा मतलब पैटर्न ये बन जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज़ को रिपीट करना, और इवेंचुअली हम वापस उसी रट में फंस जाते हैं जहाँ से निकले होते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों ने साथ के साथ माइक्रो एडिक्शंस पढ़ी, अब आप लोगों ने बताना है, मैं स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिखाऊंगी, आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सी वाली माइक्रो एडिक्शन है। अच्छा, सबसे पहली वाली पर आ जाते हैं कि आई ट्राई टू कीप एन इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम अपसेटिंग सिचुएशंस। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं हमेशा उन एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जो पेनफुल से होते हैं, या अपसेटिंग सिचुएशंस को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ये कौन सा है? एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, क्योंकि वो अपसेटिंग सिचुएशन से वो अवॉइड कर रहे हैं ना, वो एक डिस्टेंस सा रख रहे हैं। तो हर हमने एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस में पढ़ा था कि हम हर उस चीज़, जगह, उस इंसान से या उस एक्सपीरियंस से अपने आप को अवॉइड कर लेंगे जो हमें अपसेट कर देगा या जो हमें अनकम्फर्टेबल कर देगा। तो इसमें वही है। अब मुझे बताएं, इसको रेट करें 1 से 4 तक, तो आप जिन ने इमोशनल सॉरी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का है, उनके अंदर ये 1 से 4 तक कहाँ पर वो रेट करते हैं? 4 मैक्सिमम 1 मिनिमम, कि वो कितनी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस करते हैं। आप हर चीज़ की नेगेटिव अप्रेजल, उन्होंने पढ़ा था कि हर चीज़ में से हम नेगेटिविटी को मतलब खींचते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। अब मुझे बताएं, इसको रेट करें आप लोग, आपके अंदर नेगेटिव अप्रेजल कितना है, यानी आप कितना नेगेटिव सोचते हैं।
जिस तरह लोग एग्जाम से पहले पढ़ते हैं और चीज़ों को रिपीट करते हैं और उनके जहन में सिर्फ उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, वो रिमिनेशन नहीं है, वो तो उस वक्त की डिमांड थी। आगे चलते हैं। समटाइम्स आई हिट अदर्स और थ्रेटन टू हिट देम, हॉस्टिलिटी और एग्रेशन, ये जो गुस्से के मसले होते हैं ना कि समटाइम्स मैं लोगों को हिट कर देता हूँ या मैं उनको धमकियाँ देता हूँ, तो ये जाहिर है हॉस्टिलिटी और एग्रेशन में ही होगा, जिसमें आपसे आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपकी वो सारी चीज़ें संभाली नहीं जा रही होती और वो फिर निकल रही होती हैं बाकी लोगों पर। 1 से 4 तक रेट करें मुबीन साहब, आपके अंदर गुस्सा कितना है 1 से 4 तक रेट करें। रिमिनेट हर बंदा करता है, हर इंसान करता है, लेकिन अगर आपकी अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी फंक्शनैलिटी में रुकावट बना रही हो तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे अगर एक बंदा है वो रिमिनेट कर रहा है और उसकी वजह से वो प्रेजेंट में माइंडफुल नहीं रह पाता, तो इसका मतलब है कि उसकी रिमिनेशन एक एडिक्शन बन चुकी है जो कि उसको फंक्शनल रखने में मदद दे रही है। वैसे हर बंदा रिमिनेट करता है, मतलब ईद आ रही है तो कितने लोग रिमिनेट कर रहे हैं कि मैं ज़रा घर चला जाऊँ, ज़ोर लगा लूँ मैं घर जाने के लिए। लेकिन फिर कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी हमें जिनकी डिसफंक्शनैलिटी हमें नज़र आ रही है, ना क्लासेस में पार्टिसिपेशन, ना ग्रुप्स में कोई एक्टिविटी, रोना धोना, मीटिंग्स भी ख़राब, तो हमें पता है ना कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। रमज़ान से पहले भी इस तरह की एक एपिसोड कुछ पेशेंट्स की फैमिली मीटिंग्स में गुजरी, मुबीन साहब याद है, रमज़ान शुरू होने से पहले 10 दिन बड़े ही मुश्किल थे, था ना ऐसा, तो हमें पता था कि वो रिमिनेशन थी कि मैंने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। जैसे रमज़ान ठीक हुआ बेहतर होना शुरू हो गए, अब ईद आ रही है, अब कुछ और पेशेंट्स को डिफ़िकल्टीज हैं। तो अगर मतलब आपकी ये माइक्रो एडिक्शन आपको डिसफंक्शनैलिटी दे रही है तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद व्हेन आई एक्सपीरियंस बैड फीलिंग्स आई ट्राई टू इग्नोर देम, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस से निकला है, एक्सपीरियंस को अवॉइड करना कह लें आप, यानी जब भी आपको कोई एक्सपीरियंस अनकम्फर्टेबल कर रहा है आप उसको अवॉइड कर देते हैं, आंखें बंद कर लो बस, वो एक वो नहीं है प्रोवर्ब नहीं है कि हाँ, तो क्या उसकी आंखें बंद करने से वो सामने से चला जाता है जो भी था वो कबूतर या बिल्ली? यानी अगर आप डेंजर को सामने अपने देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या वो चीज़ सामने से गायब हो जाती है? नहीं, वहीं पर रहती है। तो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस वो चीज़ है, बल्कि उससे ज़्यादा इंटेंसिटी में वापस आती है। आप नशे कर लेते हैं कि जो घर में छोटा सा एक मसला आया हुआ है ये ख़त्म हो जाए और मैं ज़रा थोड़ी देर नम हो लूँ, तो उसके बाद जब नशा उतरता है तो क्या वो घर का मसला हल हो चुका होता है कि वो एक्सपेडाइट कर चुका होता है? ये है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। उसके बाद है आई ट्राई टू नम माई नेगेटिव फीलिंग्स। आप लोग जब बार बार पूछते हैं उससे नुकसान पता क्या होगा? 4 बजे फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग थी, ठीक है, अब जिस तरह मेरा एक सेशन था 4:15, अब मैं उन पेशेंट को बता दूं मैं एक्स वाई जी रीज़न की वजह से वो अभी तक शुरू नहीं कर सकी क्योंकि मैं यहाँ ऑक्यूपाइड हूँ, मैं वेट कर रही हूँ सेकेंड स्पीकर आए और फिर मैं जाऊँ, ये वजह थी कि मैं वो अभी तक शुरू नहीं कर सकी, तो पेशेंट देखते रहेंगे टाइम कि अभी तक मेरी फैमिली मीटिंग नहीं है, उस पर वो रिमिनेट करते हैं, उस पर फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया कि फैमिली आई क्यों नहीं, कॉल करके पूछें। ये चीज़ तो नेचुरली है ना, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एट टाइम्स फैमिली लेट हो जाती है किसी वजह से और ट्रैफिक में स्टक हो जाती है, कोई और वजह हो जाती है, जिस पर फिर पेशेंट्स हमें बार बार कहते हैं कि आपने 3 बजे कन्फर्म किया था, 4 बज गए अभी तक फैमिली क्यों नहीं आई। तो फिर हम कहते हैं पेशेंटली वेट कर लें, अगर मीटिंग कैंसिल हो रही है तो हम आपको बता देंगे कि फ़लाँ वजह से मीटिंग नहीं हो सकी। अब जिस तरह सलमान साहब की फैमिली ने ट्रैवल करना था वो पहुंच गए तो मैंने इनको बता दिया कि वो हाँ वहाँ पहुंच गए हैं, फिर उन्होंने एक और ट्रैवल करना था वो अपने घर पहुंच गए तो मैंने इनको बता दिया कि वो पहुंच गए हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं और हमें पता है कि इसका फ़ायदा ही होगा वो हम कर देते हैं, जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उससे हम रोकते हैं, तो फिर आप लोग ज़रा उसमें हमारे साथ थोड़ा सा तआवुन किया करें, ठीक है। एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस को 2 तरीके से मैनेज किया जा सकता है। 1, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये एक थेरेपी होती है जिसके अंदर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं पेशेंट्स को और फिर उनसे कमिटमेंट्स लेते हैं कि किस तरह से आगे वो अपनी रिकवरी के ट्रैक पर या सोब्राइटी पर या उन चीज़ों से दूर रहेंगे जिन जिन चीज़ों ने उनको नुकसान पहुंचाया हो। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि मुझसे ये सारे ब्लेंडर्स हुए, मैं इन जगहों पर जो था मेरा मसला हो गया, मैंने नशा कर लिया, मुझसे बदतमीज़ियाँ हो गई, मुझसे रिश्ते मेरे ख़राब हो गए, मेरी सेहत का नुकसान हो गया, हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, इन सारी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर नई कमिटमेंट्स बनाना कि आइंदा से मैं ऐसी किसी चीज़ के अंदर गिव इन नहीं करूँगा जो मुझे वापस से इस विशेष साइकिल में फंसा दे। बात समझ रहे हैं? पहले तो एक्सेप्ट करना कि मैं
ड्रग्स करता था, मेरे साथ ये मसले थे, एक्स वाई जी रीजंस की वजह से करता था, और उसने मुझे यहाँ यहाँ पर डैमेज किया, और अब मैं कमिटमेंट ये करता हूँ कि मैं अपनी रिकवरी और अपनी सोब्राइटी में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाऊँगा और अनकंडीशनली इसको परसू करूँगा। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी मैनेजमेंट है एक्सपोजर, यानी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस का एक बहुत अच्छा तरीका मैनेजमेंट का ये है कि आप उस बंदे को उस सिचुएशन से एक्सपोज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हों जो स्टेज फ्राइट्स जिनको हो, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, उनके प्रेजेंटेशन हों और वो उस दिन छुट्टी कर लें, तो उनका ये फियर दूर करने के लिए उनको उस सिचुएशन से एक्सपोज कर दें, सारी टर्म्स और कंडीशन, सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता करके। कुछ नहीं होगा, आपको स्वेट करेंगे आप, पेल्पिटेशंस होंगी, आपका फोकस शायद आप ना कर पा रहे हों। तो ये एक्सपोजर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जिस तरह आप रात को लेटते होंगे फॉर एग्जांपल, और आपको इस तरह की सोचें आती होंगी कि पता नहीं मतलब मैंने इतने नशे किए हैं, या मैंने अपने माँ बाप के साथ ये सलूक किया आने से पहले, और फिर आप अपना ध्यान झटक देते होंगे क्योंकि वो चीज़ें पेनफुल होती हैं, वो एक्सपीरियंसेस पेनफुल होते हैं, तो आप उनमें जाना ही नहीं चाहते। या अगर फैमिली मीटिंग्स में आपसे बात की जा रही हो कि फलां फलां मौके पर आपने हमारे साथ ये ज्यादती की, तो आप फौरन ब्रश ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दें वो पुरानी बातें ही करते रहना है। ये होती है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। इसमें एक्सपोजर इस तरह से हेल्प करता है कि आप फिर उन चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, फिर आप भागते नहीं हैं, फिर आप उस मौके पर खड़े रहते हैं और आप पूरी वो बात सुनते हैं कि अच्छा हाँ मुझे बताएं और मैंने कहाँ कहाँ ख़राबी की है ताकि मैं उन चीज़ों को फिक्स कर सकूं। एग्जैक्टली। रुमिनेशन की ये कुछ टेक्निक्स हैं इनको हेल्प करने के लिए। सबसे पहले फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। रुमिनेशन ये है कि जब हमारी सोचें कहीं पर अटक जाती हैं तो फिर हमें कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है। जैसे इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, कोई और चीज़ सोच सकते हैं कि अच्छा अगर ये ख्याल आ रहे हो बार बार कि पता नहीं घर वाले ईद पर मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, तो अब इस सोच का फौरन हल तो कोई नहीं है हमारे पास, ना हमें किसी से पता चल सकता है फौरन, तो अपने आप को डिसंगेज किया जाए उस एक्टिविटी से। आप डाइनिंग हॉल में चले जाएं खाने के लिए कुछ, या आप आपस में किसी और दूसरे पेशेंट के पास चले जाएं, कोई और बात करना शुरू हो जाएं, न्यूज़ चैनल्स लगा लें, कोई और म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें, यानी कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, शॉवर लेने चले जाएं, कुछ भी, कोई छोटी सी डिस्ट्रैक्शन हो जो आपको उस सोच से डिसंगेज कर दे। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद टेक अ डीप ब्रेथ, यानी डीप ब्रीदिंग एक एक्सरसाइज है जो आपकी स्टेट को काम करती है, यानी लंबे गहरे सांस लेना, इनहेल करना पहले, फिर एक्सहेल करना, फिर इनहेल करना, और ये चीज़ कॉन्शियसली करना, यानी आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं और फिर लंबा गहरा सांस अंदर लेके जाएं, लंबा गहरा सांस बाहर लेकर आएं, ये आपकी फिजियोलॉजी को एकदम सुकून में ले आएगी। यानी वो जो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं ना सब, यानी स्ट्रेस की वजह से बहुत से लोग अपने शोल्डर्स में और इन मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रिपोर्ट करते हैं कि मेरे ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्टिफ रहता है हर वक्त, उनको भी डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है कि जब वो लंबे गहरे सांसों की एक्सरसाइज करते हैं तो उनके मसल्स काफ़ी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें यानी इसकी कॉन्टीन्यूटी रहे तो अभी कर लेंगे फौरन कहेंगे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, उसको छोड़ देंगे, तो ये कोई हल नहीं है। यानी आपको किसी चीज़ का हल लेने के लिए, उससे कोई फ़ायदा लेने के लिए उसको कुछ अरसा ट्राई करते रहना पड़ता है। एग्जैक्टली। जैसे वॉक भी आपको एक दिन में नहीं आपका 1 kg कम कर देती, आप वॉक करते रहते हैं 15 दिन के बाद आपको जाकर थोड़ा सा फ़र्क महसूस होना शुरू होता है, वो फ़र्क बहुत स्लाइट सा होता है। 15-1 दिन शायद आप अनकंफर्टेबल भी रहें, फटीग फील करें, थके फील करें, लेकिन उसके रिजल्ट्स बाद में मिलना शुरू होते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करना, बहुत तरह की मेडिटेशंस होती हैं जिसमें डिफरेंट मंत्रास भी होते हैं, जिसमें नेचर में जाकर मेडिटेट करना, योगा, ये सारी चीज़ें, यानी कोई भी आप स्किल सीख सकते हैं इंटरनेट से, यूट्यूब से, वीडियोस से, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, किसी काउंसलर से पूछ सकते हैं कि मुझे कोई डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन सिखा दें ताकि मैं अपने आप को, यानी ये बेसिकली हमारे पास खुद का एक क्विक फिक्स होता है कि हम अपनी स्टेट को फटाफट थोड़ा सा नेचुरली ठीक करने के लिए, यानी एक तो होता है ड्रग से फटाफट ठीक करना, एक होता है कि अपनी फिजियोलॉजी को थोड़ा रिलैक्स कर देना बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी केमिकल के, तो वो मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से, योगा से, एक्सरसाइजेस से हम कर सकते हैं। फिर बिगर पिक्चर पर देखना, यानी रुमिनेशन के साइकिल से जान छुड़ाने के लिए बिगर पिक्चर पर देखना कि
फॉर एग्जाम्पल आपको ये बार बार वो सिचुएशन जिसके बारे में आप रिमिनेट करें, जैसे आप में से कोई रिमिनेट कर रहा है कि पता नहीं आज फैमिली मीटिंग होगी कि नहीं होगी, फिर उस पूरी चीज़ को बड़े पिक्चर पर देखना कि देखो मुझे इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, अभी तक फैमिली मीटिंग्स होती हैं ना मेरी, अगर नहीं होगी तो मुझे बता देंगे काउंसलर्स, या मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ उसके बाद पूछ लूँगा फ़ोन करके कि मेरी मीटिंग होनी है कि नहीं। अच्छा, रिकग्नाइज ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट्स। ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट्स वो होती हैं जो अनवांटेड गेस्ट्स की तरह होती हैं, खुद ही से आ जाती हैं, हम बुलाते भी नहीं हैं उन्हें। तो अगर हम उन्हें रिकग्नाइज कर लेंगे कि ओहो ये तो मेरी वो थाट्स हैं जो खुद ही से आकर मुझे तंग कर रही हैं, तो हम इनसे पीछा छुड़ा लेंगे। नहीं, जब हम रिकग्नाइज कर लेंगे ना, वहाँ से थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा चीज़ों को ठीक करने का। यानी अगर हम सिर्फ पहचान लेंगे कि ये तो मेरी नेगेटिव थाट्स हैं, अगर कोई बंदा ये पहचान लेगा कि मेरी नेगेटिव थॉट है, सामने वाला नहीं बुरा, ये मेरी नेगेटिव थॉट थी, तो क्या उसकी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो सिर्फ अगर रिकग्नाइज कर लिया जाए ना, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे स्टेप्स से 100% वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव अप्रेजल की मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले तो उस रिकग्नाइज थॉट डिस्टॉर्शंस, यानी उन सोचों को पहचाने जिन जो डिस्टॉर्ट होकर आपके सामने आई हुई हैं, यानी अजीब ख़राब सी शक्ल में आपके सामने आई हुई है। जैसे हमें ये लग रहा है ना कि फैमिली के साथ मिलकर, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ मोहित साहब, कि फैमिली के साथ मिलकर हम कोई एजेंडा कर रहे हैं, तो इस डिस्टॉर्शन को समझें पहले कि ऐसा हो नहीं सकता। तो जब आप इसको पहचान लेंगे ना कि ये तो एक गलत सी सोच है जो मेरे जहन में आ गई है, तो हमारी इससे जान खुद ब खुद छूट जाएगी। रिमिनेशन का मतलब है ओवर थिंक करना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना और हमारा उस पर इख्तियार नहीं होता उसको स्टॉप, इवन पास्ट इवन फ्यूचर कुछ भी। अच्छा, उसके बाद रिलीज जजमेंट, यानी नेगेटिव अप्रेजल हमारा तब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा अगर हम जजमेंटल होना छोड़ देंगे। यानी अगर हम सामने वालों के लिए कोई मतलब रिजेंटमेंट्स या उनके लिए कोई पैरामीटर्स छोड़ देंगे कि ये बंदा तो है ही बुरा, या इस बंदे ने तो कभी कोई अच्छी बात करनी नहीं, अगर हम जजमेंटल होना छोड़ देंगे ना, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जो हमने प्रेजडिस होल्ड किए होते हैं ना, जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है हमारी, अगर हम वो छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही बड़ा ऐसा होता है पॉजिटिव सा, जिसमें हम शुक्र गुजार हो रहे होते हैं हर चीज़ पर। तो अगर हम अपना एटीट्यूड ही ऐसा रखें, एक टर्म होती है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड ही बड़ा शुक्र गुजारी वाला है। यानी अब मैं ये तो नहीं कह रही कुछ मिल गया तो भी, शुक्र ना मिला तो भी, लेकिन होना ये चाहिए आइडियल सिचुएशन। ये देखें, ग्रैटिट्यूड का ये थैंकफुलनेस से मिलता है, शुक्रगुजारी तो इसका एग्जैक्ट उर्दू नहीं है, लेकिन हम कह लेते हैं ग्रैटिट्यूड की उर्दू में आपको डिक्शनरी से देखकर बता दूं। शॉर्ट टर्म फोकस यानी क्विक फिक्स में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम एक लाइन, कोई भी हमने काम करना हो ना, तो हम दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके फ़ायदे एक साइड पर लिखते हैं और उसके नुकसान एक साइड पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सिगरेट पीना है, तो उसके नुकसान यानी कॉस्ट एक साइड पर लिख लें सारी कि उसके बाद होगा क्या, और बेनिफिट्स दूसरी साइड पर लिख लें, फिर दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा हो वो कर लें। तो शॉर्ट टर्म फोकस में एक बड़ी अच्छी टूल ये है कि आप हमेशा उस चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि मुझे पता चल जाए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ या मेरा फ़ायदा कहाँ पर होना है। उसके अलावा मेटाकॉग्निशन, इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, अपनी सोच, बर्ड्स आई व्यू, यानी आप अपनी सिचुएशंस के बारे में थर्ड पर्सन या न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर देखते हैं। यानी वैसे तो हम सब बड़े बायस्ड हैं ना अपने साथ, अली जायद साहब फॉर एग्जाम्पल सोचते हो कि मैंने तो कभी कुछ ज्यादती की ही नहीं अपनी फैमिली के साथ, तो मेटाकॉग्निटिवली सोचा करें थर्ड पर्सन के, यानी अपने आप को कोई और बंदा बना लें और सोचें कि अली जाहिद ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया हुआ, तो आप न्यूट्रल एम्पायर बनेंगे। रिस्पॉन्स परसिस्टेंस, रिस्पॉन्स परसिस्टेंस में जहाँ पर हम एक ही उस चीज़ पर अटके होते हैं ना कि हमने एक ही तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, वहाँ पर हम अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं और नए तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं कि और ऐसे कौन सी तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपने हालात बेहतर करें। जैसे अगर हमेशा मैंने फैमिली से लड़कर कोई चीज़ मांगी है, तो इस दफ़ा मैं ज़रा प्यार से बात करके देख लेता हूँ, या हमेशा अगर मेरी रिकवरी इसलिए ख़राब हुई है कि मैं सिगरेट पी लेता हूँ, तो इस दफ़ा ज़रा मैं तरीकों को चेंज करके देख लेता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता। तो नए तरीके एक्सप्लोर करें जिससे कि आपके रिजल्ट्स बदल जाएं। फिर से नो टू टर्मिनल यूनिकनेस,
टर्मिनल यूनिकनेस पता है क्या होती है? कि आई कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे साथ नहीं कुछ होगा, मैं बड़ा यूनिक हूँ, मैं वन व्हीलिंग कर लूँ मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं जितनी मर्जी ड्रग्स कर लूँ मैं ओवरडोज नहीं करूँगा, मैं नहीं पुलिस से पकड़ा जाऊँगा, मेरे ड्रग का फैमिली को नहीं पता चलेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब ड्रग करेंगे आपका पता चलेगा, आप जब वन व्हीलिंग करेंगे आप वल्नरेबल होंगे खतरे के लिए, आप जब भी कोई नुकसान वाला काम करेंगे नुकसान का खतरा बढ़ता जाएगा। तो टर्मिनल यूनिकनेस को या यूनिक के कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल क्रॉस लगा दें बड़ा सा। इमोशनल मास्किंग में सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस को पहचानना, यानी प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो हमेशा पहले आते हैं किसी भी सिचुएशन में, सेकेंडरी इमोशंस वो होते हैं जो पहले वाले इमोशन के नतीजे में बनते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आप लोग ज़्यादा अच्छे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो ना इलेक्ट्रिक बोर्ड को या स्विच को बार बार छेड़ रहा है और उसकी मदर को ये डर है कि कोई करंट ना लग जाए, कोई हादसा ना हो जाए, तो वो जाकर उसको ज़ोर से पीछे करती हैं और एक आधा थप्पड़ भी लगा देती हैं और गुस्सा भी करती हैं। तो मुझे बताएं कि उनका प्राइमरी इमोशन गुस्सा था कि खौफ था? खौफ था ना, लेकिन उन्होंने वो एक्सप्रेस ही नहीं किया कि मुझे डर है कि इसको कोई हादसा ना हो जाए और उसको प्यार से पीछे करें और समझाएं, और सेकेंडरी इमोशन जाकर शो कर दिया कि ज़रा डांट डपट शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी इमोशन वो होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में शुरू में आते हैं। जैसे हम किसी अपने लव्ड वन को कॉल्स करे जा रहे हैं और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आगे से, तो हम परेशान हो जाएंगे या पैनिक कर जाएंगे कि पता नहीं क्या हादसा हो गया। फिर जब वो हमारी कोई 12वीं 13वीं कॉल रिसीव करेंगे तो फिर हम कैसे बात करेंगे? सेकेंडरी इमोशन में हमने गुस्सा शो कर दिया। उसके बाद व्हेन यू एक्सपीरियंस एन इमोशन टेक टाइम टू स्टॉप एंड फुली रिकग्नाइज इट। जब भी आप कोई एक्सपीरियंस कोई इमोशन को एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा एक टाइम आउट ले लें और सोच लें कि ये कौन सा इमोशन है मेरा, क्या मैं गुस्सा शुस्सा कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, या फिर मैं मतलब कोई और इमोशन है जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सका। एग्जैक्टली, यानी ऐसा तो नहीं है कि मेरा इमोशन मास्क हो गया चुप करके, या मैंने पहचाना ही नहीं अपने इमोशन को। तो इससे हम इमोशनल मास्किंग में हेल्प ले सकते हैं। हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन लास्ट, जिसमें गुस्सा हम ज़्यादा तब करते हैं जब हम सिर्फ बात, जब हमें अनहर्ड की फीलिंग हो या हम सिर्फ बोलते जाएं और यानी कोई सामने वाले को बिल्कुल बोलने ना दें। अगर हम सिर्फ एक सुनने की आदत बना लेना तो हमारे आधे से ज़्यादा गुस्से कम हो जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को बोलने का या एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देते कि हम बोलने का मौका ही नहीं देते हम पूरी स्टोरी सुनते ही नहीं है, और हम आधी स्टोरी सुनकर वहाँ पर ही हमारे स्विंग्स आ रहे होते हैं, मूड में शिफ्ट आ रहे होते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है और वहीं पर बिल्कुल हमारा एक आउटबर्स्ट सा हो जाता है। तो हमें लिसनिंग हैबिट्स को या स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें हम आई लैंग्वेज में बात करें, फीलिंग्स लैंग्वेज में, हम सामने वाले बंदे को डिफेंसिव ना करें, प्रोवोक ना करें। उसके अलावा सेल्फ कंट्रोल हमें प्रैक्टिस करना आना चाहिए कि अगर हमारे जज्बात बहुत उतार चढ़ाव का शिकार हैं तो हमें उनको ज़रा संभाल के रखना आना चाहिए। हमें अपने जज्बाती दबाव को और जज्बाती यानी उसको फीलिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा गिवन नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारा दिल कर रहा होता है कि अगर एक स्पाइक जो आई हुई है हम उसके साथ ही यानी उस फ्लो के साथ ही आगे चले जाएं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ सलमान साहब? ऐसा होता है कि कभी हम इमोशनली बिल्कुल एक स्टॉर्म एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हमारा दिल करता है बस इसी फ्लो के साथ हमने आगे जाना है? मैं माइक्रो एडिक्शंस और उसकी मैनेजमेंट को यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। आप मुझे बताएं कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो। थैंक यू। तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके। और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो? तुम्हें चुप बैठो। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए
क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।